मंडी जिला में शिक्षा विभाग प्रारंभिक स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की ओर अग्रसर है। डाइट प्रधानाचार्य बलवीर भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018-19 के सत्र में अध्यापकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में लर्निंग आउटकम बेस्ड अत्याधुनिक तकनीक से लेस टीचर ऐप के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। मंडी जिला में शिक्षा विभाग प्रारंभिक स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की ओर अग्रसर है। डाइट प्रधानाचार्य बलवीर भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018-19 के सत्र में अध्यापकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में लर्निंग आउटकम बेस्ड अत्याधुनिक तकनीक से लेस टीचर ऐप के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के समर्थ डैशबोर्ड रिपोर्ट के अनुसार मंडी जिला में प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा में सुधार हुआ है और प्रदेश भर के बड़े जिलों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मंडी जिला ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें अध्यापकों ने भी अपना प्रशिक्षण सही उपयोग करते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। बलवीर भारद्वाज ने बताया कि डैशबोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 54.04% विद्यार्थियों ने ए ग्रेड में 80% से अधिक अंक हासिल किए हैं और ई ग्रेड के विद्यार्थियों में भारी कमी आई है। मंडी जिला शिक्षा विभाग के द्वारा लर्निंग आउटकम के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा में सुधार किए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग की डैशबोर्ड रिपोर्ट के मुताबिक मंडी जिले ने भी बड़े जिलों की तुलना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। जिला मंडी हिमाचल प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा के लिए निरंतर अग्रसर हो रहा है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी की तरफ से इस बार जो 18-19 का हमारा जो एकेडमिक सेशन था, इसमें हमने लर्निंग आउटकम्स बेस्ड ट्रेनिंग करवाई, टीचर ऐप के माध्यम से जो है टीचर्स को जो ट्रेनिंग करवाई गई है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो शिक्षा में गुणवत्ता है वो उसका जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है। इस वर्ष जो डैशबोर्ड के समर्थ डैशबोर्ड के मुताबिक जो हमारा 18 और 19 का जो एकेडमिक सेशन था, उसमें हमने पूरे राज्य में तीसरे रैंक हासिल किया हुआ है। हमारे से ऊपर जो जिला हैं वो एक लाहौल स्पीति है और हमीरपुर है। अगर हम बड़े जिलों की बात करें तो बड़े जिलों के श्रेणी में हम प्रथम स्थान पे हैं। जिला मंडी में इस बार जो 18-19 का जो समर्थ डैशबोर्ड की जो रिपोर्ट है, उसमें 2448 स्कूलों का डाटा किया गया था, जिसमें हमने 72,619 बच्चे कवर किए हैं और इस डाटे के मुताबिक हमारे जो 54.04% बच्चे जो हैं उन्होंने 80% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। मतलब ए और बी ग्रेड में हासिल करने वाले हमारे पास 54% बच्चे हैं। जो ई ग्रेड में हैं, मतलब सबसे कम नंबर लेने वाला जो ग्रेड है, उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है और हमारे इससे हम हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे जो अध्यापक हैं और जो हमारा ट्रेनिंग का जो स्तर है उसमें और गुणवत्ता आई है। फलस्वरूप बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो भी बड़ी है और हमारा रैंक जो है जिला का वो 5 में से 3 स्थान पर पे जो आया हुआ है। हमें मुझे गर्व हो रहा है इस बात का कहना होगी कि धर्मपुर जो फर्स्ट ब्लॉक है उसने पूरे स्टेट में 3 रैंक पे रहा हुआ है। पूरे स्टेट में 125 रैंक हैं और हमारा जो धर्मपुर ब्लॉक है वो 3 रैंक पे है और उसी तरह से हमारा जो गोपालपुर 2 रैंक है, 2 स्कूल है, उसमें वो 4 रैंक पे है। तो इन सारे आंकड़ों का अगर हम हिसाब किताब लाएं तो हमारे बच्चों ने और हमारे अध्यापकों ने खूब मेहनत की है, फलस्वरूप हमारा रैंक भी में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई है। मुझे उम्मीद है कि इस साल हम और मेहनत करेंगे, ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग को और बढ़ावा देंगे, टीचर ऐप का प्रयोग जो है वो अध्यापकों तक सुनिश्चित करेंगे और गुणवत्ता लाने के लिए जो हमारे प्रयास हैं उनमें भी और इजाफा होगा और बच्चों में जो ये चीज़ है वो आएगी कि वो अपना रैंक जो है, अपना जो ग्रेड है वो भी उसमें भी सुधार आएगा।
वक्त तो चलो छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।